राष्ट्र कवि दिनकर एक झलक। भारत गांवों का देश। बिहार राज्य का एक गांव सिमरिया, जो गंगा की गोद में बसा हुआ, गंगे मिट्टी की सोंधी सुगंध के बीच स्थित, सिंह और मनरूपा देवी का फलता फूलता परिवार। दिनांक 23 सितंबर 1908 का वह सौभाग्यशाली दिन कि रवि अर्थात सूर्य के घर में दूसरे साहित्य सूर्य का उदय। वह साहित्य सूर्य पूरी दुनिया को चमत्कृत करने वाला रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिनकी आकृति और प्रकृति की आभा से संपूर्ण साहित्य जगत प्रकाशित है। आइए ऐसे शब्द ऋषि अपने सारस्वत पूर्वज के व्यक्तित्व की एक झलक हम जीवंत प्रतीकात्मक गतिशील चित्र के द्वारा समर्पित करते हैं। बचपन में ही पिता के देहावसान के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा माता के मार्गदर्शन में सिमरिया और मध्य विद्यालय बारो में हुई। फिर उनकी ज्ञान यात्रा उच्च विद्यालय मोकामा घाट से शुरू होकर पटना विश्वविद्यालय में ठहर गई। यहाँ से इतिहास विषय में बी अर्थात स्नातक की उपाधि प्राप्त कर नौकरी के क्षेत्र में आ गए। गुलाम भारत में आजादी की खोज के लिए ओज की आवश्यकता थी और यह नैसर्गिक प्रतिभा का ही प्रमाण था कि एक इतिहास के छात्र के हृदय में हिंदी रच गई, बस गई, ये राष्ट्रीय आवश्यकता बन गए। इन्होंने वीर रस और प्रगतिवादी रचनाओं का प्रणयन किया, जिसमें रेणुका, हुंकार, उर्वशी, सामधेनी, बापू, परशुराम की प्रतिज्ञा, नीलकुसुम, रश्मिरथी और संस्कृति के चार अध्याय प्रमुख और कालजयी हैं। उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संस्कृति के चार अध्याय सिर्फ पुस्तक ही नहीं, यह सांस्कृतिक संविधान है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर इन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। संसद में एक साधारण घटना घटी जो असाधारण हो गई। संसद की सीढ़ी से उतरने के क्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़खड़ा गए। विश्व के प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ पंडित नेहरू को दिनकर ने सहारा दिया और गिरने से बचाया। पंडित नेहरू ने कृतज्ञता पूर्वक दिनकर से कहा कि आज तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं धराशाही हो जाता। दिनकर ने अपने सारस्वत शब्दों से उन्हें आश्वस्त किया, जब जब राजनीति लड़खड़ाई है तो साहित्य उसे संभाल लेता है। यह वाक्य शास्त्रों का सारांश बन गया। चलते चलते उनके बाल मन का कौतूहल जलेबी के घुमावदार आकार पर देखते ही बनता है। जलेबी जन सामान की मिठाई है, उस पर ललचाने में भी सुंदर साहित्य के दर्शन होते हैं। नक्षत्र मंडल के सूर्य का निश्चित समय में उदय और अस्त होता है, परंतु बौद्धिक ब्रह्मांड और साहित्य संसार का एक सूर्य ऐसा है जिसका अस्त नहीं होता है। दुनिया उस सूरज को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जानती है। कलम आज उनकी जय बोल।